नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ के द्वारा अब यहां पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आपका सहायक ग्रेड 3 अर्थात डाटा एंट्री ऑपरेटर की के लिए वैकेंसी आ चुकी है और इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के द्वारा भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी वन बाय वन हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं, जहां पर परीक्षा की तिथि, ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि और परीक्षा केंद्र कहां कहां होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ताल नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो कि कार्यक्रम परीक्षा का कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है, जहां पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। आप देख सकते हैं यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के आपका सीजी व्यापम के द्वारा यहां पर परीक्षा लिया जाएगा। इस परीक्षा का कार्यक्रम क्या होने वाला है, यहां पर पद की जो बात करें तो यहां पर पद की जो बात है, यहां पर आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए होने वाला है, जहां आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑनलाइन की प्रारंभिक तिथि शुरू हो चुका है 10/11/2021 को बुधवार से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 2/12/2021 11:59 तक, और त्रुटि अगर सुधार हो जाती करना है तो आपको 3 से 5 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। व्यापम द्वारा वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे 10/12/2021 को और परीक्षा का समय होने वाला है आपका 9 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक, और परीक्षा की जो तिथि है इसको याद रख लीजिए 19 दिसंबर 2021 को होने वाला है। चलिए अब पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के लिए 63 पद आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 59 पद जो है सीधी भर्ती के हैं और 4 पद जो है बैकलॉग है। यहाँ पर आपको CF दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं CF से तात्पर्य अग्रणी कैरी फॉरवर्ड पद से है, जहाँ पर इसी को हम बैकलॉग पद कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर पद निकल कर के सामने आ गया है 26 पद, और अनुसूचित जाति के लिए 7 पद, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 21 पद निकला हुआ है, और यहाँ पर CF में देखें तो 3 पद निकला हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद और एक जो है कैरी फॉरवर्ड के लिए भी है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 63 हो जाती है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अनारक्षित के लिए कुल पदों की बात करें तो 42 पद निकले हुए हैं, महिला के लिए 16 पद और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 2 पद और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद निकल करके सामने आ चुके हैं। तो इस फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूले, ये आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर इसका जो शैक्षिक न्यूनतम जो तकनीकी जो अर्हता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ आप जो है यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में आपका जो कौशल परीक्षा होता है टाइपिंग परीक्षा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, तो उसको भी आपको कौशल परीक्षा देना होगा। तो इसके लिए चाहिए कि आप अपना कंप्यूटर में अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा पद निकल करके सामने आया हुआ है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। नियुक्ति की शर्तें आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, सभी के लिए है, महिला पुरुष छत्तीसगढ़ के जहाँ भी आप रहते हैं सभी के सभी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब जो है 10/11/2021 बुधवार से शुरू हो चुकी है 63 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसको जरूर से भर लीजिए। इसके बाद चलिए बात करते हैं संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ पुजारी पार्क पुलिस लाइन कैंपस टिकरापारा रायपुर के तरफ से 8/11/2021 को निकला हुआ है, ये पद भी डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्थात सहायक ग्रेड 3 के लिए निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है,
परीक्षा होने वाला है, ये भी आपका सीजी व्यापम के तरफ से ही होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ये परीक्षा को आयोजित करेगा, आयोजित करने के बाद विभाग को सौंप देगा। तो परीक्षा यहाँ भी होने वाला है आपका 19/12/2021 को होने वाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 10/11/2021 को और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 2/12/2021 गुरुवार को रात्रि 11:59 तक और त्रुटि सुधार 3 से 5 दिसंबर 2021 तक। परीक्षा का समय 9 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक होने वाला है। परीक्षा केंद्र जहां पर प्रदेश के 16 जिला मुख्यालय में होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिक्त पदों की संख्या के बारे में। तो यहां पर कुछ ज़्यादा पद निकले नहीं हुए हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पद निकला हुआ है, जहां पर बेसिक 25,300 रुपया से लेकर के यहाँ शुरू हो जाता है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 पर रखा गया है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 3 पद निकला हुआ है। तो बेसिक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,500, वेतन मैट्रिक्स रखा गया है आपका 4 में रखा गया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 पद है, जहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ 2 पद है, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, मुफ्त के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 पद है। इस प्रकार से टोटल 2 पद हो जाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद पद की संख्या, उसके बाद फिर आप देखेंगे सहायक ग्रेड 3, तो इस प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 3 पद निकले हुए हैं। इस प्रकार टोटल 5 पद हो जाते हैं। अनारक्षित के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति बैकलॉग के 1 पद है और अनुसूचित मुक्त के लिए 1 पद है। इस प्रकार से टोटल 3 पद यहाँ निकल गए और यहाँ से आप देख आपको फिर से देखने के मिल जाएगा, तो यहाँ टोटल पदों की संख्या 5 हो जाती है। आप लोग इसको इस फॉर्म को भरना ना भूले। डाटा एंट्री ऑपरेटर जहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, कोई भी आप भर सकते हैं, महिला पुरुष सभी के लिए है। यहाँ भी शैक्षिक की योग्यता सेम टू सेम होने वाली है, 10+2 के साथ में आपका 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की इसमें होनी चाहिए। और जो है आप डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उम्मीदवार की आयु जो है 21 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिए, अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को 2 वैकेंसियों के बारे में आप लोगों को बताया। पहला वैकेंसी संचालनालय राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की तरफ से है और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रोग्रामिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। तो इस प्रकार से आप भी इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।